आपका फॉर्म 19 रिजेक्ट हो गया है और लिखा गया है कि 15 जी आपने ठीक से नहीं भरा है, 15 जी ठीक से भरिए और पैन कार्ड लगाइए। तो मैं इस वीडियो में आपको 15 जी की पूरी कहानी बताने वाला हूं ताकि आप सही तरीके से 15 जी भर सकें और उसके बाद आपका फॉर्म पास हो सके। तो यहां पे मेरे पास बताने के लिए तीन बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 15 जी फॉर्म इनकम टैक्स का फॉर्म है, इसमें पीएफ का कोई रोल नहीं है। जो आप फॉर्म भरते हैं 15 जी, ये पीएफ वालों को इनकम टैक्स को भेजना होता है और ये 15 जी फॉर्म ये कहता है कि ये जो आदमी है इसकी बेसिक जो इनकम होती है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इसकी वजह से हम इसका जो पीएफ के ऊपर 10% टीडीएस काटते हैं वो नहीं काट रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ गए, ये इनकम टैक्स का फॉर्म है, पीएफ का कोई फॉर्म नहीं है। नियम ये होता है कि ये उनको भरना होता है जिनकी जो सालाना इनकम है वो टैक्सेबल दायरे से कम है, उनको भरना होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि 15 जी के अंदर में सिर्फ हमें पीएफ का अमाउंट देखना होता है, पेंशन का अमाउंट नहीं देखना होता है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप अपनी पासबुक देखेंगे, पीएफ की पासबुक ये मैं खोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो बैलेंसेज हैं। यहाँ पे जो अमाउंट नज़र आ रहा है ये हमारा पीएफ का बैलेंस है और ये वाला अमाउंट हमारा पेंशन का बैलेंस है। तो आपको जब पीएफ के अंदर ये दिखाना है 15 जी में कि मेरा कितना पीएफ है, तो आपको सिर्फ पीएफ वाला अमाउंट जोड़ना है, पेंशन वाला अमाउंट नहीं जोड़ना है। इस वाली पासबुक के अंदर में पीएफ का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाकी केसेस के अंदर में मान लो 80,000 रुपये या 50,000 रुपये आपका पीएफ है, इसके साथ में ही आपका यहाँ पे मान लेते हैं 35,000 रुपये का आपका पेंशन है, तो जब आप अपना फॉर्म 15 जी भरेंगे तो पेंशन वाले अमाउंट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ पीएफ वाले अमाउंट को लिखेंगे। प्लस और भी चीज़ें होती हैं, वो आपको जब 15 जी भर के दिखाएंगे तब आपको समझ आएगी। तो यहाँ आप समझ गए कि आपको सिर्फ पीएफ का अमाउंट लेना होता है, पेंशन का अमाउंट नहीं लेना होता है। ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ जानते हैं। तीसरी चीज़ ये है सर्विस के बारे में। सर्विस का मतलब क्या हुआ, सर्विस का ये मतलब हुआ कि आपकी अगर सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आपको 15 जी भरने की ज़रूरत नहीं है। 15 जी भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है। 5 साल से कम की सर्विस है तो आपको 15 जी फॉर्म भरना है, वो भी कब भरना है, जब आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो। समझ रहे हो, 50,000 से ज़्यादा हो तो ही भरना है। अब मान लो कि कोई फॉर्म 19 निकाल रहा है, उसने 2 महीने 4 महीने 10 महीने काम किया, अब उसके 12,000 रुपये वो पीएफ निकाल रहा है, तो क्या यहाँ पे 15 जी फॉर्म भरने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 जी दिखाएगा तो उसको भी, तो उसको 15 जी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। 15 जी फॉर्म भरने की तभी ज़रूरत है जब सर्विस 5 साल से कम हो, प्लस जो उसका पीएफ का अमाउंट हो वो 50,000 से ज़्यादा हो। इस 50,000 को आप 45,000 भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर 45,000 रुपये भी आपका पीएफ अमाउंट दिखा रहा हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली अपने काम के अनुभव पे सलाह दूंगा कि अगर आपका पीएफ का अमाउंट 45,000 रुपये भी बन रहा हो तो भी आप 15 जी भर दीजिए, क्योंकि बाद में वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया जाता है फाइनल सेटलमेंट पे। अगर ये 45,000 बढ़ के 50,000 से 1 रुपये ज़्यादा हो गया, मान लो 50,000 10 रुपये हो गया, तो यहाँ पे पूरा 10% TDS काट लिया जाएगा इस पूरे अमाउंट पे, जो कि 5,000 10 रुपये बनता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ से बचने के लिए अगर 45,000 रुपये की लिमिट समझ के चलिए, 50,000 नहीं 45,000, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, अगर आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपको 15 जी भरना है। 15 जी सिर्फ फॉर्म 19 के साथ भरते हैं, 10C के साथ नहीं भरते हैं। अब ये सर्विस वाली बात हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मैं क्योंकि प्रैक्टिकली काम करता हूँ और मेरे पास सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं यहाँ आपको डेमो दिखा सकता हूँ। यहाँ आप सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनकी टोटल सर्विस कितनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 6 साल 10 महीने की सर्विस है, जो कि इसके अंदर छुट्टी वाले दिन 28 दिन है। तो अगर इन 28 दिनों को घटा भी दिया जाए तो यहाँ पे सर्विस बनती है 6 साल 9 महीने की सर्विस बनती है, जो कि 5 साल प्लस है। तो आपको जैसे कि हमने पासबुक में पिछले दिखाया था पीछे, जहाँ पे इनकी जो पीएफ है वो लगभग 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, तो भी हमें इसमें इनका 15 जी नहीं भरना पड़ा है और इनका हमने बिना 15 जी फॉर्म के ही अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि आपको 15 जी फॉर्म के अंदर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है।
तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये है कि ये इनकम टैक्स का फॉर्म है, तो आप जो भर रहे हैं वो इनकम टैक्स को भेजा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सिर्फ पीएफ का अमाउंट जोड़ा जाता है, पेंशन का अमाउंट नहीं जोड़ा जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि सर्विस 5 साल से कम प्लस पीएफ का अमाउंट 45,000 से ज़्यादा हो तो ही 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें आप समझ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो सही तरीके से नहीं भरा गया है, अगर आपको इस वीडियो को जानना है कि ये सही तरीके से कैसे भरा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक नई वीडियो दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप 15G फॉर्म भर के दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको पीएफ के बारे में कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मुझे पता है, सब चीज़ें मैं YouTube पे डाल रहा हूँ ताकि आप उसे खुद से अपना काम कर सकें। और अगर आपको किसी और का काम करना है, इस चीज़ को एज ए पार्ट टाइम काम भी आप कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको PF ESI कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टेंट बन के आप कंपनी का या बिजनेसेस का काम करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। वो भी आप मुझसे एज ए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको जैसे अभी ये वीडियो दिखा रहा हूं, इसी तरह से प्रैक्टिकली एक एक चीज़ वहां पे समझाई जाती है, सिखाई जाती है और आपको पूरा प्रोफेशनल के तरह से तैयार किया जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।